कंप्यूटर के अंदर वो शक्तिमान को काट पता नहीं रहा मुझे है। बहुत मजा आया था कष्टक करने में बिकॉज प्रिंटर से निकाला था शक्तिमान को कपाला जाता है वो काट देता है उसको आधे में और फिर मैं उसको वापस जॉइन करती हूँ। ये हमारी आज की बैठकी की मेहमान है वैष्णवी मैकडॉनल्ड जी, स्वागत है। ये शक्तिमान बंद कैसे हो गया था कि गंगाधर गायब हो जाता है, शक्तिमान गायब हो जाता है, कहीं खो जाता है और गीता पहुंच जाती है उसे ढूंढते हुए। एब्रप्ट सी एंडिंग थी ताकि आगे कुछ और कर सके पर वो हो नहीं पाया। वो तो ऐसा सीरियल था कि शक्तिमान की पोशाक है तो इनका तो मेकअप वगैरह में भी बड़ा टाइम लगता होगा और वो जो तब तो VFX भी मेरे हिसाब से नहीं चलता होगा। एक बार तो बड़ा फनी सीक्वेंस था तो एक दिन मैंने देखा कि एक लड़की लटकी हुई है वहाँ बिल्डिंग पे और बॉडी प्रोपोर्शन मेटिंग कार उसका बड़ा आउटफिटान सा था। बोले ये क्या है, ये कहते थे कोई कूद गया शक्तिमान देख के, किसी ने कुछ कर लिया। There was a lot of politics behind it. It was not on that level कि हर जगह हो रहा है, बच्चे कूद रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, all that. वो बहुत सारे तो फैब्रिकेटेड थे। कहीं था कि कोई बच्चा चाय बनाते हुए किसी के साथ एक्सीडेंट और उसके पास टीवी नहीं था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फॉर सम रीजन मुकेश जी सेंट मी ऑफ। 1,00,000 लेटर्स आए, वी वॉन्ट गीता बैक। फिर TRPs में भी असर पड़ी, फिल्मों में अच्छे लोग भी थे और काफ़ी वैसे लोग भी थे। देखो कास्टिंग काउच है, ये चीज़ें होती है। मुकेश जी के साथ मैंने काम किया, ही वॉज अ टोटल 360 degrees एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि वो सीन्स में हगिंग भी नहीं करेंगे, नहीं करते थे, कैंसिल। हम लोग वो लोग हैं जो आगे चल के कुमार विश्वास को सुनने लगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गीता विश्वास को खूब देखा करते थे। तमराज किल्विश का करेक्टर था जिससे डर लगता था, अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा फैल रहा है। पर्सनालिटी थी और था लेकिन लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने मुकेश जी से रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये निकाल सकता हूँ कोई कोई सीन्स में, पीपल शुड नो मी ना, मैं चल के कहीं जाऊँ तो लोग मुझे देख के बोले कह रहे ये तमराज किल्विश है। गीता विश्वास जो उस समय अपने संपादक को हड़का के रखती थी, मैम अगर ये रोल संपादक को हड़काने वाला रोल अगर आपको फिर से मिले तो आप क्या? मैं भी जानना चाहता हूँ संपादकों को कैसे हड़काया जाता है और शक्तिमान वो गोल गोल कैसे उड़ता था। वो खुद ऐसा टर्न लेते थे हर एक शॉट के बाद, जैसे चलता हूँ करके। लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कितने उदाहरण हमने देखे हैं कि लोग एक प्रोजेक्ट में आते हैं, काम करते हैं, कमाल करते हैं और खो जाते हैं, लेकिन उस एक चीज के लिए याद रखे जाते हैं। फिर हम ऐसे उदाहरण भी देखते हैं कि लोग जिंदगी भर काम करते हैं लेकिन पहचान नहीं बना पाते। लेकिन हमारी आज की मेहमान अलग हैं, उनकी एक पहचान है एक रोल से और जिंदगी भर का काम है। वो टाइम हो VCR का, CD प्लेयर का, जब एंटीना आप घुमा घुमा के दूरदर्शन लगाया करते थे, वो टाइम हो डिस्क का टाइम हो, डिश का टाइम हो या फिर यूट्यूब का टाइम हो, वो हमेशा स्क्रीन पे मौजूद रही, हमेशा रिमोट आप यूज कर रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं, वो आपको नज़र आ जाती थी, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव मिलेंगी और नज़र आएंगी। हमारी आज की बैठकी की मेहमान है वैष्णवी मैकडॉनल्ड जी, स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है मैं वही पूछ लेता हूँ जी, ये शक्तिमान बंद कैसे हो गया था, क्या था उसका अंत, आखिरी एपिसोड में क्या था? एक्चुअली शक्तिमान बंद नहीं हुआ था, ओपन छोड़ा गया था कि एक और पार्ट बन सके जो कि आज तक बना नहीं। वो लास्ट यही था कि गंगाधर गायब हो जाता है, शक्तिमान गायब हो जाता है, कहीं खो जाता है और गीता पहुंच जाती है उसे ढूंढते हुए एक भाजी तरकारी वाली के रूप में। मैंने तो बहुत सारे किरदार उसमें निभा लिए, तो वो वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, यू नो तुम मुझे मतलब बताए क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर हो एंड ऑल। वो भी कहीं किसी बावर्ची के इसमें काम कर रहा है, किसी के घर में छुप के, यू नो लाइक अपनी आइडेंटिटी छुपा के। तो बस वही था, वही एंडिंग थी, एब्रप्ट सी एंडिंग थी ताकि आगे कुछ और कर सके बट वो हो नहीं पाया बिकॉज एक्चुअली मुकेश जी बिजी हो गए थे। एक आर्यमान सीरियल आया था उसके बाद का महान युद्ध जो कि नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं नहीं थी उसमें, सॉरी मैंने दैट्स अ जोक। सो वो नहीं चला। सो आफ्टर दैट फिर शक्तिमान, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मुकेश जी को शक्तिमान बनाने का फिर से मौका मिला था और उन्होंने
मुझे ऑफिस में बुलाया भी था कुछ साल पहले और कहा था कि वेट लूज कर मॉम्स के रोल वोल कर रही हो तो थोड़ा तो पुट ऑन हो ही गया है सब, तो वेट लूज कर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं लाइक अ स्टूडेंट टीचर, तो तैयार हो जा हम शुरू करने वाले हैं। पर फिर ये फिल्म आ गई बीच में जो ट्रायोलॉजी बनाने वाले हैं सोनी के साथ, तो उसकी वजह से वो पीछे हो गया। वो कौन सा प्रोजेक्ट था? अच्छा वो चला दूरदर्शन, फिर से दूरदर्शन पे उनको ऑफर आ गया था पार्ट टू शक्तिमान, जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्री पैंडेमिक, अभी 5-6 साल पहले की बात है, एंड ही वाज आल्सो गियरिंग अप फॉर इट, बट फिर फिल्म की बात चालू हो गई एंड ही सेड कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं आ सकती बिकॉज क्लैश होगा, तो कैंसिल। तो वो कैंसिल हो गया। अच्छा ये जब बंद हुआ था मतलब रोका गया था, तब वो प्री प्लान था, आप लोगों को पता था, बताया गया था, या शौक की तरह आया था? नहीं शौक था एक तरह से, बिकॉज हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि लंबा चलेगा और तारक मेहता तो अब तक चला आई थिंक उस वक्त भी था शायद, आई एम नॉट श्योर नहीं, तारक मेहता तो नहीं था, CID था और CID कितना लंबा चला यू नो, तो वी एटलीस्ट कुड मैनेज अनदर मतलब 6-7 एपिसोड और 6-7 साल और कर लेते हम, बट वो एब्रप्ट हो गया, या इट वॉज सैड। और फिर वो एक फिल्म भी आई थी हमारा हीरो शक्तिमान, हाँ फिल्म भी आई थी और उसका भी किस्सा है। मैं तब कर रही थी एक बहुत पॉपुलर शो सपने सुहाने लड़कपन के, गुंजन की मासी, गुंजन की मासी, तो दैट वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, आई थिंक मेरे करियर का सेकंड पॉपुलर टीवी शो, वेरी वेरी पॉपुलर, तो वो उसकी शुरुआत थी और वो 25 डेज मेरा वहाँ ब्लॉक हो गया था और मुकेश जी ने मुझे बुलाया, सब कुछ फाइनल हो गया एक दिन पहले शूट के, क्योंकि मैं ट्रायल के लिए नहीं जा पा रही थी, फिर उन्होंने वो डायलॉग रीडिंग के लिए बुलाया था, स्क्रिप्ट रीडिंग और वो सब नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने कहा वैष्णवी आगे करते हैं, मैं किसी और को ले रहा हूँ, ये नहीं हो पाएगा बिकॉज आई वॉन्ट मोर कमिटमेंट फॉर दिस। तो फिर मैंने बोला सर नो हार्ड फीलिंग्स, फिर मेरी अच्छी मतलब जो मेरी यंगर सिस्टर बनी थी सपने सुहाने में, मानसी के साथ किया उन्होंने, गुंजन की मम्मी, गुंजन की मम्मी। चलते हैं शुरुआत में, एक कंफ्यूजन है जो इंटरनेट और बढ़ा देता है कि आपने अपनी पहली फिल्म वीराना 9 साल की उम्र में की थी या 14 साल की उम्र में की थी? नहीं 9 years, 9 साल की स्टैंडर्ड में थी तभी, चौथी क्लास में, हाँ चौथी क्लास। और वो कैसे फिल्म में आप कैसे पहुंच गए? आपको तो साइंस में जाना था, एस्ट्रोनॉमी में आपका इंटरेस्ट था, एस्ट्रोफिजिक्स एंड ऑल, लेकिन लाइफ इज वेरी स्ट्रेंज, सर्कमस्टेंशियल चीजें ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि आगे नहीं पढ़ पाई मैं, मुझे मजबूरन मुंबई आना पड़ा क्योंकि माय फादर वाज मिसिंग और वही हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम एंड एवरीथिंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज मैं तो पढ़ रही थी हैदराबाद, मैंने अपना 10th जस्ट कंप्लीट किया था, मॉम ने काम बहुत साल पहले छोड़ दिया था, मेरी सिस्टर मुझसे छोटी थी, तो देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट फॉर माय फादर, तो ऐसे परिस्थितियों में आगे पढ़ना, मैंने तो फॉर्म्स फिल करके आई थी कॉलेज के कि मैं वापस जाके आई विल डू माय, ये सब हैदराबाद में, हाँ हैदराबाद में, वी यूज्ड टू स्टे देयर और मेरे डैडी का आना जाना लगा रहता था मुंबई हैदराबाद बिकॉज हिज जॉइंट फैमिली वाज हियर, तो ही जस्ट डिसअपीयर्ड एंड आफ्टर दैट सब कुछ मतलब लाइक वाज पॉइंट जीरो, हम लोग कैच 20 सिचुएशन में आ गए थे मुंबई आके एंड और कोई चारा ही नहीं था, कुछ मतलब सूझ ही नहीं रहा था मुंबई आके, बिकॉज 10-12 दिन निकल गए, जो थोड़े बहुत पैसे थे हाथ में वो भी ख़त्म हो गए, हम जिस छोटे से लॉज में ठहरे थे बिकॉज वी हैड वेरी उस वक्त तक सब कुछ बिक चुका था बिजनेस में, लॉस ये लॉस वो लॉस, बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए थे और सब लॉस में गया था डैड के, तो पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, वी वर ऑन ग्राउंड ज़ीरो एक्चुअली, एंड ऐसे टाइम पे मॉम ने बाद में बताया कि शी वॉन्टेड टू फिनिश एवरीथिंग सून, मैं भी वो मेंशन नहीं करना चाहती वर्ड, बट शी वॉन्टेड टू फिनिश एवरीथिंग, लेकिन उस दिन उनको किसी एक उड़ती खबर आई थी कहीं से कि यू नो एक चर्च है वहाँ पे मिरेकल्स होते हैं, तो एक आशा जग गई उनके अंदर, तो बोलती है कि चलो चलते हैं, तो मैं तो वेरी स्टाउंच, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही भाई, मुझे मेरे पास बहुत गॉड्स है, मुझे एक और नहीं चाहिए, तो बट मुझे ज़बरदस्ती ले गई, बोली बाहर खड़े रहो मत आओ अंदर, मैं नहीं गई अंदर, वाज स्टैंडिंग आउट ओनली, आई हैड सम सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस देयर, इसलिए मैं कहती हूँ ना किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कुछ नहीं, तो वहाँ पे आई फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सुपर नेचुरल, जैसे किसी ने मेरे ऊपर है ना इतना बकेट भर के प्रेम शांति अंदर ऐसे आई वॉज ड्रेंस्ड इन इट,
उंडेल दिया है पूरा ऊपर. आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, कुछ तो हो रहा है. आफ्टर दैट हम लोग जैसे वापस आए रूम में, सिचुएशन तो कुछ बदला नहीं था, लेकिन शाम के 6 बजे आसपास जैसे दरवाज़ा खोला, अब किसी को हमारे सिचुएशन के बारे में पता नहीं है वहाँ होटल के दरवाजे. नहीं 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 किसी को नहीं पता, वो होटल वाले तो हमें बाहर कर देते, 4 दिन होटल के पैसे नहीं भरे थे हमने. तो छोटा सा लॉज है, आज भी है, एयरपोर्ट पैलेस सेंटा क्रूज ईस्ट वकोला साइड में. तो वहाँ पर बिल्कुल दरवाजे के बाहर चौखट, हमारे ही चौखट के बाहर 100-100 रुपये का सब बंडल. दैट्स फर्स्ट मिरेकल ऑफ माई लाइफ. मैंने जब वो देखा तो मेरे हाथ कांपने लगे. एंड आई सेड कि व्हाट इज दिस, किसी का छूट गया था या क्या था? हाँ, तो वही हमारे माइंड में भी आया. मैंने अपने मॉम के पास रखा, मेरी मम्मी ने बोला इधर ही रख, बोलना मत किसी को कि पैसे अपने हो, तो झूठ मूठ के बोल देंगे हमारा है नॉट. तो बोला थोड़ी देर बाद जाके नीचे पूछ, कोई कस्टमर का कुछ खो गया है या गिर गया होगा या कुछ. ऐसा कुछ भी नहीं आया, ना उस दिन, ना नेक्स्ट डे, ना कभी. और वो पैसे जब हमने काउंट किए, एग्जैक्ट हमारे 4 दिन के होटल के पैसे थे उसमें, और आगे 4-5 दिन खाना खा सकते उतने पैसे उस बंडल के अंदर थे. उसके बाद सीरीज वन आफ्टर दी अदर न्यू थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग. फिर ये अंकल जिन्होंने मुझे बचपन में काम कराया था वीराना में, उनके यहाँ मैसेज छोड़ा हुआ था, वो आउट ऑफ टाउन थे, वो भी आ गए. एंड संजोग नहीं बोल सकते, हर एक चीज़ ऐसा अनफोल्ड होता गया. आई कुडंट गो बैक टू स्टडीज़, तो उन्होंने बोला एक्टिंग इसको शुरू करवा दो. अब और कोई चारा नहीं है, क्योंकि डैड तो मिल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया उनको. ही वॉज लाइक टोटली रडार, आउट ऑफ द रडार. एंड फिर मैंने वहाँ से मेरी एक्टिंग करियर शुरू हुई. लाइक मुझे मेरा फ़ोटो सेशन हुआ, जगदीश माली जी ने किया मेरा फ़ोटोशूट, वो भी फ्री में किया उन्होंने उन दिनों में. गॉड ब्लेस, आई मीन ही इज़ नो मोर नाउ. सो जगदीश जी ने मेरा फ़ोटोशूट किया, अच्छे पिक्चर्स आए, मुझे धड़ाधड़ फिल्म्स 3 मिल गई. नया हीरो, नया प्रोड्यूसर, फिल्में बनी नहीं शुरुआत की, एंड फिल्में बनी नहीं लेकिन पैसे आए. एंड दैट्स हाउ इट ऑल किक स्टार्टेड. फिर एक दिन मैं ऐसे ही एक जैसे आई हैड गॉन फॉर कैरेक्टर, मतलब नॉट कैरेक्टर, फॉर लीड कैरेक्टर ओनली, एक स्टूडियो में ऐसी बैठी थी मैं. कौन सा स्टूडियो था ये? फिल्मिस्तान. फिल्मिस्तान में मैं बैठी थी, किसी से मिलने गई थी, कोई प्रोड्यूसर से. मेरा सेक्रेटरी भी था उस दिन. तो नितिन मनमोहन जी वहाँ से, वो भी अभी नहीं रहे इस दुनिया में, नितिन जी वहाँ से चल के गए, फिर वापस गए देखते हुए. आई वॉज 17 दैट टाइम. फिर अनिल कपूर जी गए, फिर वापस चल के गए. फिर उन्होंने मेरे सेक्रेटरी को बुलाया और बोले ये लड़की कौन है? तो वो बोले कि वैष्णवी ये नहीं है, इन्होंने बचपन में ये सब किया एंड ऑल दैट. तो ही सेड के विल शी डू दिस सॉन्ग, लड़की है क्या? अरे बाबा. तो कहा नहीं, वो मेरी मॉम और मैं, नहीं नहीं आइटम नंबर नहीं करना ये सब. उन दिनों में इतना वो भी नहीं था पॉपुलर, यू नो, टू डू एन आइटम नंबर. आई वॉन्टेड टू एक्ट, मतलब मुझे रोल्स चाहिए थे, मुझे वो नहीं चाहिए था सिर्फ एक आइटम करना है ना. लेकिन दे कन्वेंस्ड, इतना कन्वेंस किया, कहा कि ये हिट है ये गाना, और हमें फ्रेश फेस चाहिए, हमें वो सब जो पहले किए हैं. दैट्स हाउ इट ऑल किक स्टार्टेड. और फिर आप फिल्म में गाना शूट करने गए और आप रोने लगी कि आपकी हील टूट गई थी. ओ या कितने, मतलब ही इज अ परफेक्शनिस्ट, अनिल कपूर, अनिल जी, और उनके काम में दिखता भी है. तो ही इज अ परफेक्शनिस्ट. तो एक बस एक रनिंग शॉट था वहाँ से यहाँ, वो हम लोगों ने नव शिवा पोर्ट में शूट किया था उसे, अलीबाग में. अच्छा. तो मुझे सिर्फ भाग के आना था वहाँ से ऐसे, और उनके वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे, वो देख, आपने देखा होगा गाने में भी ऐसे भाग रहे हैं स्लो मो में ऑन. तो उसके लिए ही कुछ 30-35 रिटेक हो गए, तो मेरा हील टूट गया. और आप रोने लगी. मतलब आई हैड स्टिलेटोस, तो वो टूट गया. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड के यू नो, तो मतलब तू क्यों रो रही है, मैं ले रहा हूँ ना रिटेक. सो ही वाज वेरी स्वीट. और आपको मरने की जल्दी बड़ी थी शूटिंग के दौरान, आप ये बरसात की रात में आप गिरने ही वाली थी. आग वाला सीन था? नो, दैट वाज आग, मतलब आग वाला सीन इन द सेंस के जो मेरे फादर बने थे टीनू आनंद जी मुझे ऐसे जलाने आते हैं क्योंकि हाँ, कि मैं शक्ति कपूर से शादी कर लूँ. शक्ति कपूर मुझसे बहुत, मतलब ही लाइक्स मी एंड ऑल. तो मैं ऐसे पीछे पीछे जा रही हूँ, अंजना मुमताज मेरी मॉम थी उसमें. तो मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, नहीं 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 करके, और पीछे एक्चुअली खाई थी. सो मैं एक्चुअली ऐसे गई और पत्थर ही नीचे गिरे. इट वॉज लाइक
थोड़ा और एंड आई वुड हैव बीन गॉन। यहाँ बचाने कोई शक्तिमान नहीं करता। मतलब शक्तिमान तो पहुंचती नहीं शक्तिमान तक, गीता विश्वास कोई और प्ले कर रही होती। पर दानवीर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, आप छत से गिरने वाली थी। नहीं, छत से गिरने नहीं वाली थी, उन्होंने पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ था, दे हैड हार्नेस वार्नेस डाल के, बट कितने घंटों तक मैं लटकी हुई थी। I was like, and 5-story ऊपर ऐसे, वो भी ऐसे slant में, it was scary. तब तो मुश्किल रहता होगा shoot के time पे भी। Pressure आता है ना आपके lungs पे, आता है इस पे, और आप वहीं लटके हुए हो, और you know, और क्या होता है ना, like see already मैंने films किए हुए थे, और फिर लाडला वाला के बाद ही हुआ था दानवीर, लेकिन फिर भी ना वो ऐसा atmosphere होता है ना, ये सब दिग्गज लोग होते हैं और आप बोल नहीं पाते कुछ, and you want to prove that you are a very sincere actor, तो आप बस लटके हुए हो, वही पानी पी रहे हो, वही सब कुछ कर रहे हो, उधर लटके हुए जो के नाम पे लटके हुए। एक आपका सीरियल जो हमारे कॉलेज के टाइम पे बहुत चलता था जी, मिले जब हम तुम, अर्जुन की मम्मी आप बनी थी उसमें। यस एक्चुअली बहुत अर्ली मेरे एज में मैंने मॉम प्ले करना शुरू कर दिया था। आई थिंक आई डू नॉट लुक लाइक मॉम इन दोज डेज, क्योंकि मुझे याद है मैं जब एक लड़की अनजानी से कर रही थी तो बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स आते थे, यार मॉम इज ऑल्सो फिट टू बी हीरोइन। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग मॉम वेरी अर्ली बिकॉज ऑफ थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स। एक्चुअली क्या था, मैंने कसौटी जिंदगी की किया था फर्स्ट, श्वेता तिवारी वाला जो है, तो उसमें तो यंग रोल था, नाइस यंग पेपी रोल था, बट सडनली उन्होंने मुझे दूसरा भी ऑफर कर दिया, के स्ट्रीट पाली हिल, कहा कि इट्स अ लीड, तीन लीड्स की कहानी थी वो, और एक्चुअली लीड्स थे वो, बट वो मैच्योर्ड आदमी थे एंड आई वाज स्टिल वेरी यंग, तो बोला कि बच्चे थोड़े बड़े होंगे एंड ऑल। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी नहीं करना मॉम का रोल इतनी जल्दी है, यू नो छोटी माँ में भी आई प्लेड द मदर ऑफ अ स्मॉल किड, और मैं रियल मदर भी नहीं थी उसमें, छोटी माँ एक सीरियल आता था, तो ऐसा आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। तो वहाँ से जो मेरी शुरुआत किक स्टार्ट हुई, तो मिले जब हम तुम तक जब पहुँची, इट वॉज ऑल आस पास ही था सब उन दिनों में, एंड अर्जुन बिजलानी और मेरा जो केमिस्ट्री था वो बहुत अच्छे से फिट हो गया था, एंड वो मदर वॉज वेरी अनकन्वेंशनल है ना, जो बेटे को बोलेगी जा खुद चाय बना ले, जा अपना खाना खुद बना ले, और मेरे लिए भी बना देना, ओके, सो वेरी नाइस, मतलब बहुत कंटेम्प्रेरी मॉम जो होती है, वर्किंग वूमन थी, सिंगल मॉम, वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। बहुत बढ़िया। ये जब आप शक्तिमान में आई थी, और उस टाइम पे किट्टू गिडवानी गई थी शायद 13 एपिसोड करके, 12 एपिसोड करके, आप 13वें एपिसोड, कुछ अनबन की खबरें थी, तब क्या था सेट पे, आपको क्या सुनने को मिलता था? मुझे ये सुनने में आया शी डिडंट टर्न अप फॉर द शूट, दैट पर्टिकुलर शूट दैट डे, और ये शूट लगा था एक फैंटेसी लैंड था मुंबई में, जो अब बंद हो चुका है, तो फैंटेसी लैंड में उन्होंने लगाया था वो बच्चों का, नहीं पूरा वो अम्यूजमेंट पार्क वाला जो सीन था वहाँ पे, सो देन ही डिसाइडेड टू रिप्लेस, और फिर आप आई। यस, आपको कैसे अप्रोच किया उन लोगों ने? दे हैड ऑलरेडी सीन मेरी बम्बई का बाबू, लाडला, ये सब था, तो उन दिनों में, सो दैट्स हाउ दे गॉट टू नो कि अच्छा फिल्म कर रही है, तो अभी सीरियल करेगी क्या। मुझे वैसे बहुत सारे ऑफर्स आए थे बहुत अच्छे बड़े मेकर्स से टीवी में, बट मैंने सब मना कर दिया था, बिकॉज माय मॉम इज़ से अरे टीवी करेगी तो फिल्म्स नहीं मिलेंगे, और उन दिनों में थोड़ा सा वो था भी माहौल, यू नो हाउ इट वाज ना, कि वो टाइम में कि अरे यार एक बार फिल्म थी, टीवी कर लो, हाँ फिल्म बना है, बड़ा है, टीवी छोटा है, मॉम से इसके नहीं मिलेगा, तो मैंने बोला ऐसे भी कौन सा इतना मिल रहा है, लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक बहुत सारी बौछार हो रही है रोल्स की, एंड आई कैन जस्ट सिट एंड वेट फॉर यू नो वन फिल्म टू कम, सो आई वॉज लाइक मैंने मना किया अच्छे अच्छे सीरियल्स जो हिट भी हो गए बाद में, एंड लाइक हसरते एंड ऑल के टाइम की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद जब शक्तिमान आया ना, तो एक अंदर से आवाज़ आई, आई थिंक इट वॉज गॉड, गॉड इज़ ऑलवेज बीन द गाइडिंग फोर्स इन माई लाइफ, आज मैं जहाँ पर भी हूँ ऑल ग्लोरी टू हिम, रियली ऑल ग्लोरी टू, सो एक आवाज़ आई अंदर से, ये मत छोड़ना, सी ये मत छोड़ना, सो आई वेंट अगेंस्ट माय मॉम एंड आई डिड इट। मम्मी ने कहा नहीं ये भी नहीं करने का, मैंने बोला नहीं ये करूंगी, थैंक गॉड आई डिड इट। और ये ट्रांजिशन कैसा था, क्योंकि फिल्मों में तो छोटे छोटे सीन हैं, एक दिन में एक सीन हो रहा है, और यहाँ तो लंबा लंबा शूट चलता होगा, दिन दिन भर की शूटिंग। फिल्मों से टीवी में आना इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, बिकॉज वहाँ पर क्या था, वहाँ पे जस्ट इतने इतने पेज के सीन्स होते थे, और पूरा दिन एक सीन चलता था शाम तक,
फिर कभी कभी वो उसका भी आधा पार्ट नेक्स्ट डे होता था। और यहाँ जैसे मैं सीरियल में आई तो इतने बड़े बड़े पेज के डायलॉग्स दिए जा रहे हैं और वो भी हिंदी ना, पत्रकारों वाली भाषा। हाँ, पत्रकार और मुकेश जी का शो तो हिंदी भी वैसे वाली शुद्ध हिंदी और वर्ड्स भी शुद्ध। और फिल्मों में क्या था, उर्दू के वर्ड्स होते थे ज़्यादा इन दोज डेज, इट वॉज मोर ऑफ उर्दू, तो मेरे अल्फाज और ये सब ज़्यादा उर्दू टाइप थे और सडनली मुझे शुद्ध हिंदी बोलना पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए ट्रांसलेशन भी डिफ़िकल्ट था और इतना सब कुछ याद करना। बट धीरे धीरे आई मोल्डेड माई सेल्फ इन टू दैट, गालियाँ भी खाई, मुकेश जी से भी मैंने बहुत डांट खाई है। एक्टिंग सीखी थी आपने कहीं? नो, आई हैव नेवर लर्नड एक्टिंग, मैंने जो कुछ भी सीखा है यहीं सीखा है। और एक ब्यूटीफुल किताब जो मुझे दीनकर जानी, हमारे जो सीरीज डायरेक्टर, द होल सीरीज ऑफ शक्तिमान, जो ही वॉज द मेन यू नो गाइडिंग फोर्स बिहाइंड, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि देखो वैष्णवी, यू गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन है ना अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़े इनोवेशंस और ये हैं एक्टिंग को लेके, गेट योर सेल्फ मोर फ्री, यू नो आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल। एंड ही गेव मी अ बुक, स्टैनस्लोविस्की, एन एक्टर प्रिपेयर्स, एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मैंने घर में ही अपना एक्टिंग स्कूल बना लिया था, मिरर के सामने जाके बुक पढ़ती थी और जो जो लिखा है उसको प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे, मेथड एक्टिंग, स्पॉन्टेनिटी, ये वो सब। सो आई जस्ट ट्राई टू डू एवरीथिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग मोर बेटर। सो एक वर्ड विच चेंज्ड एवरीथिंग द गेम फॉर मी वॉज, डोंट एक्ट, जस्ट रिएक्ट, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड वहाँ से मेरा परफॉर्मेंस धीरे धीरे नेचुरल और ज़्यादा यू नो इन्वॉल्व होता गया, इंटेंस होता गया। और ये क्या उम्र रही होगी आपकी तब? आई वॉज 21। 21 साल की उम्र में सब खुद से कर रही थी आप? यस, आई वॉज 21। तो उस टाइम शूट में जैसे वो तो ऐसा सीरियल था कि शक्तिमान की पोशाक है वो भी पहनने में टाइम लग रहा है, वो डॉक्टर जयकाल हैं या डॉक्टर जयकाल या फिर किलविश, किलविश मेकअप वगैरह में भी बड़ा टाइम लगता होगा, और वो जो तब तो VFX भी है, मेरे हिसाब से नहीं चलता होगा। VFX तो थे ना, हाँ। बहुत सारा मतलब VFX था। SFX कहते थे उनको? VFX अक्रोमा, हाँ। क्रोमा पे करते थे हम लोग, ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे करते थे, एंड VFX था, एंड बट इस लेवल का नहीं था जो भी होता है। तो मेहनत बहुत लगती रही होगी और एक्यूरेसी भी चाहिए। एक बार तो बड़ा फनी सिक्वेंस था, मैं खुद ही अपना शो, क्योंकि मैं एक्चुअली ज़्यादा इंग्लिश फिल्म पे पली बड़ी हूँ, यू नो लाइक आई टू वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश फिल्म, तो हिंदी भी देखती थी इंग्लिश भी देखती थी। तो इंग्लिश में आपको पता है लेवल क्या होता है VFX का, कब से कब का उनका लेवल ये है। और सडनली मैं शक्तिमान में देख रही हूँ, वो जल्दी में करते थे कभी कभी VFX, तो एक दिन मैंने देखा कि एक लड़की लटकी हुई है वहाँ बिल्डिंग पे, और बॉडी प्रोपोर्शन बिल्डिंग का उसका बड़ा आउटपटान सा था, बोला ये क्या है। सो कभी कभी इट यूज्ड टू बी वेरी फनी आल्सो। बहुत बढ़िया, एक फनी सा आपने कहा तो याद है, कष्टक था उसमें शायद। ओह दैट्स माय मोस्ट फेवरेट एपिसोड। कंप्यूटर के अंदर वो शक्तिमान को काट रहा था। मुझे बहुत मजा आया था कष्टक करने में, बिकॉज़ प्रिंटर से निकाला था शक्तिमान को। अरे कष्टक नहीं, कष्टक ही था, कष्टक वो जो आर्कियोलॉजिकल साइट से ना, नहीं वो कपाला था, कपाला था, हाँ कष्टक नहीं था, वो कपाला जाता है, वो काट देता है उसको आधे में, फिर मैं उसको वापस जॉइन करती हूँ। वो एक्चुअली वो मीम, वायरल मीम बना है वो, आपने देखे वो तमाम मीम? मैं खुद ही हंस रही थी देख के। और उस टाइम पे करते हुए क्या सोच रहे थे आप लोग? उस टाइम में कुछ नहीं समझ में आता था, मैं सच कह रही हूँ, उस टाइम में सिर्फ काम करते थे और आधे टाइम तो आई थिंक एपिसोड भी नहीं देख पाते थे पूरा, यू नो क्योंकि शूटिंग चल रही होती थी, और ये तो आई थिंक मैंने देखा भी नहीं होगा वो ठीक से। अब जाके देखा तो मैंने देखा कि इट्स द मोस्ट फनीएस्ट थिंग एवर। ऐसे एक वो सीन है, सूर्यांशी वाला एपिसोड है शायद वो, जो आपको किसी और टाइम में ले जाते हैं और आप बहुत छोटे हो जाते हैं। इट्स फिक्शनल, वो सब तो चलता है, यू नो ये टाइम से वो टाइम में जोन में जाना, बट जब आप कंप्यूटर की बात करते हो और कंप्यूटर में आप किसी को जॉइन कर रहे हो, तो आज के डेट में, आज के जो एक तो जेनजी, आपको पता है जेनजी को जैसे कुछ मिल जाता है हाथ में वो तो उसकी पूरी बैंड बजा देते हैं ट्रोल कर करके। सो इट वॉज रियली फनी, और मेरे लिए भी था, एंड माई डॉटर वो खुद जेनजी है, तो उसको अगर मैं ऐसा कुछ दिखा दूं तो वो तो पूरा उसकी मतलब क्लास ले लेगी। अब के बच्चे निर्मम हैं और उस टाइम के बच्चों को बुद्धू मानते लोग,
ये कहते थे कोई कूद गया शक्तिमान देख के, किसी ने कुछ कर लिया, ये सब खबरें आती थी आपके पास? यस यस, काफी उसके वजह से शक्तिमान को काफी सेटबैक भी हुआ था. बंद कराओ, बैन कराओ शक्तिमान को एंड ऑल दैट स्टफ. कुछ थे राइवल्स और कुछ ऐसे कंपनीज थे जिनको मुकेश जी से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट. सो उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी. तो एक आधे चीजें सच भी हुई होगी. देखो, बिना चिंगारी के आग नहीं लगता. तो कहीं ना कहीं कुछ चीज हुई थी, बट नॉट टू द लेवल दैट दे हैड मेड इट. यू नो, अब कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती भाई. अब देखो, एक एक 10 माले की बिल्डिंग होती है, वहां पे 1000 लोग रहते हैं 20 माले की बिल्डिंग में. कोई एक सोचता है कि आज मैं अपने जीवन का अंत करता हूँ. इट्स द बिल्डर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो सेम वे इट वॉज लाइक एक आधा ऐसे केस हुए थे कहीं, बट द थिंग इज दैट इट वॉज नॉट ऑन दैट लेवल कि हर जगह हो रहा है, बच्चे कूद रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, ऑल दैट. वो बहुत सारे तो फैब्रिकेटेड थे. हाँ, वो बाद में एक इंडिया टुडे ने भी रिपोर्ट की थी उस टाइम पे, जिसमें कहीं था कि कोई बच्चा चाय बनाते हुए किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया. उसके पास टीवी नहीं था, उसके पास टीवी नहीं था, या किसी के साथ कि उसकी फैमिली ने उसके साथ गलत किया. बाद में उसको जाके बकायदा पूछा गया, शक्तिमान की टीम भी गई थी कि बेटा तूने शक्तिमान देखा? बोलता नहीं, क्या है वो, उसे कोई शक्तिमान देखा ही नहीं था. तो कभी सफाई आई थी उस टाइम पे? कुछ बड़ा कोशिश की थी इन्होंने? मुकेश जी ने तो पूरा कॉन्फ्रेंस रखा था इसके ऊपर, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा था, सफाई दी थी उन्होंने और साफ साफ कहा था कि दिस इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट शक्तिमान. टीआरपी का चक्कर तब भी था उस टाइम पे भी? टीआरपी तो आप पूछो मत. एक टाइम में हमारी टीआरपी थी ऑल ओवर इंडिया. कौन बनेगा करोड़पति वाज अराउंड 23 30, क्योंकि सास, हम लोग सब पैरेलल में चल रहे थे. क्योंकि सास वाज 18 18 और शक्तिमान वाज 27. और आज 7 निकाल दो, 2 में ही खुश हो जाते हैं लोग. इतने सारे ग्राफिक्स बन जाएंगे, इंस्टा स्टोरीज में लगे, हर जगह पे रीलें चलने लगेंगी इतनी टीआरपी में. एग्जैक्टली. तो आप जब आपने जब वो शो शुरू किया, फिर आप पॉपुलर हुए जी, वो पॉपुलरिटी आपको पहली बार कब पता चली कि ये इस लेवल पे जा पहुंचा है? आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे, मुझे ये बात बहुत लेट पता चली. क्या आप शूट ही करते रह गए? हाँ, बस मैं शूट ही करती रह गई. मैं बस सिर्फ अपना काम करती थी. मैं ये सब क्या है ना, उस टाइम में अपना सोशल मीडिया इतना वो नहीं था, पॉपुलर नहीं था, ये नहीं था. तो अच्छा, बस काम करो, अपना मेहनत करो और अपने क्राफ्ट में और अच्छा होते जाओ. आज इतना किया है, इससे बेटर कर सकते हो, मैंने ये सही नहीं किया. खुद की सबसे बड़ी क्रिटिक. सो मैं अपने आप को देख के मैं ये सोची थी कि यार ये और अच्छा हो सकता था, ये अच्छा नहीं किया मैंने, या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, या मैं अच्छा नहीं किया. सो बस इसी में मेरा पूरा टाइम निकल जाता था. आई गॉट टू नो जब इन्होंने मुझे भेज दिया था US. स्टोरी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फॉर सम रीजन मुकेश जी सेंट मी ऑफ के दिखा दिया, अब गीता विश्वास चली जाती है US से. ठीक है, मैंने बोला हो गया होगा कुछ, मुझे खुद ही नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया. बाद में आपने पूछा नहीं उनसे? नहीं, आई नेवर आस्क्ड हिम. सो पता नहीं क्या किसने कुछ कह दिया होगा और समथिंग लाइक दैट, एंड आई डोंट नो, ही जस्ट सेंट मी ऑफ. और काफी टाइम तक, हाँ, 2-3 महीना ऐसे गया. 1,00,000 लेटर्स आए, गनी बैग्स भर भर के, वी वॉन्ट गीता बैक, वी वॉन्ट गीता बैक. फिर टीआरपीज में भी असर पड़ी एंड आई वॉज बैक. So it was on public demand. Thank you everyone. All the kids of 90s. उनके साथ काम करने का experience कैसा था, मुकेश खन्ना के साथ? मुकेश जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा experience था. मैं आपको साफ साफ बताऊँ, I think I can be a little bit frank here. बहुत बहुत ज़्यादा. मैं film के background से आ रही हूँ, मैंने TV पहले किया नहीं था. और फिल्मों में अच्छे लोग भी थे और काफ़ी वैसे लोग भी थे. तो मैंने वो एटमोसफेयर देखा था फिल्म का, जहाँ पे औरतों को थोड़ा सा आइटमाइज किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. एंड आई यूज टू फील अ लिटल बिट, भले देखो कास्टिंग काउच है, ये चीज़ें होती है, यू नो देर आर थिंग्स लाइक दैट. सो आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दैट, बिकॉज आई वॉज, मैं अपने उसूलों पर खड़े रहना और ये सब पसंद करती थी. तो आई देर अ लॉट ऑफ सेटबैक्स फॉर मी. मैं अभी किसी का नाम मैंशन नहीं करूँगी, बट देर वॉज अ लॉट ऑफ सेटबैक्स और जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी. एंड दैट्स द रीज़न आई स्विच्ड ओवर टू टेलीविजन, क्योंकि मैंने देख लिया कि यार भाई यहाँ पे अब बात आगे नहीं बढ़ने वाली है. लेट्स मूव, लेट्स लेट मी चेंज माय यू नो द मीडियम. तो जब मैं
मुकेश जी के साथ मैंने काम किया, ही वॉज अ टोटल 360 degrees एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी, औरतों को एकदम रिस्पेक्ट देने वाला, यहाँ तक कि वो सीन्स में हगिंग भी नहीं करेंगे. हाँ. नहीं करते थे, कैंसल. वो भेष में पितामह वाले मोड में थे. नो हगिंग, नो लाइक एनीथिंग, नो इंटीमेट सीन्स, नथिंग नथिंग नथिंग. सिर्फ मुझे वो भी 2 साल बाद काम करने के बाद, व्हेन ही गॉट कंफर्टेबल विथ मी एंड ही सॉ कि मैं एक लाइक यू नो आई एम मोर लाइक अ यू नो किडिश माइंड और ये है, तो देन ही सॉ कि आई एम नॉट दैट टाइप्स लाइक जो जिसका दिमाग वैसा चलता है, तो ही गॉट कम्फर्टेबल विथ मी एंड देन ही वुड से हाँ ये यहाँ तक के मैं हाथ पकड़ सकती हूँ, और ही वुड जस्ट कैच मी लाइक दिस, बस वहाँ तक होता था. सो इज वेरी रिस्पेक्टफुल, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई ऑलवेज क्रेव फॉर दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, जो कि फिल्मों में नहीं था. सॉरी टू से, आई गॉट दैट इन टीवी विद मुकेश खन्ना. क्योंकि वो कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, कभी वो महिलाओं पे कुछ कह देते हैं. वो अभी कह रहे हैं ना. हाँ. उन दिनों में मैं ये कह रही थी कि ऑन द सेट्स वो किसी भी महिला के साथ कभी मिसबिहेव नहीं करते थे, और हमेशा वो महिलाओं से 10 कदम दूर ही रहते थे. दैट्स हिज पर्सनालिटी. क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ऐसे बयान वायरल हुए, तो लोग ऐसा सोशल मीडिया पे रहते हैं कि इनके साथ काम कर, जैसे कह रहे हैं कि महिलाओं को काम करने की क्या जरूरत, उस तरह का एक एग्जैक्ट ये नहीं पर इस तरह की बातें उन्होंने कही, तो सोशल मीडिया ये कहता है कि इनके साथ महिलाएं सेफ कैसे रहती होंगी काम करने में, ये तो नीचा दिखाते होंगे काम करते हुए. नहीं नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने. या इतना जरूर है कि वो मुझे हमेशा ये फील करवाते थे कि आई हैव टू इम्प्रूव एंड ही इज हियर एंड आई एम हियर, आई स्टिल हैव टू ग्रो. वो तो मुझे हमेशा फील हुआ है उनके साथ, लेकिन नेवर डिसरिस्पेक्टफुल एंड नेवर लाइक made me feel like that. Yeah. uncomfortable at all. उन्हीं पे बात कर लेते हैं. वो बीच बीच में ना आके ऐसा बम गिरा जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं. कभी वो 2016-17 के टाइम पे उनने आके कहा कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है शक्तिमान, बहुत बड़े लेवल पे बनेगा. फिर सोनी के साथ कुछ कुछ हुआ, एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला है. वही वो 2014-15 की बात मैं कह रही हूँ. 16-17 में उन्होंने मुझे बुलाया था उसके लिए, वही प्रोजेक्ट के लिए. और फिर वो फिल्म की ओर चला गया. हाँ, फिल्म की ओर चला गया वो. और वो फिल्म भी अभी काफी टाइम से जस्ट मेकिंग में ही है. और फिर वो रणवीर सिंह से भी गुस्सा हो जाते हैं. रणवीर सिंह का ये था कि उन्होंने तो काफी उनसे मीटिंग्स भी हुई है. वो तो न्यूज में भी आया हुआ है, सो इट्स नॉट अ सीक्रेट. ही जस्ट सेड के नो, ही डजंट फील के ही इज फिट फॉर शक्तिमान. अनफिट है वो. उनको ये लगता है कि शक्तिमान जो है उसका पर्सनल कैरेक्टर भी उनके ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. दैट्स व्हाट ही थिंक्स. और एक तरह से आई टेल यू व्हाट, आई एम नॉट गिविंग एनीबडी साइड बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ रणवीर सिंह. मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक हिज परफॉर्मेंसेज, एक्टिंग. ही इज़ वेरी वर्सेटाइल और वो किसी भी रोल में कभी भी फिट हो जाते हैं. सो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. बट वॉट आई मीन टू से, वॉट मुकेश जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें, वो ये है कि यू नो आजकल बहुत थिन लाइन रह गया है सोशल मीडिया, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, यू नो. सो यू आर वॉट यू रिफ्लेक्ट, और ये चीज़ें आपके ओवरऑल इस पर रिफ्लेक्ट करती है पर्सनालिटी पे. तो व्हाट ही मीन्स टू से इज़ कि कोई ऐसा हो जैसे वो थे, वो पितामह भीष्म थे, फिर उन्होंने शक्तिमान में यू नो ही जस्ट ट्रांसिशन किया. आप लोग मिलते हो कभी, पुरानी कास्ट अभी साथ में बैठते हैं कभी? मुकेश जी से तो मेरा अभी हाल ही में उनके यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू हुआ था, सो आई मेट हिम देयर. एंड वही है उनका, जब भी मुझे देखते बोलते तेरा तो मुझे समझ में नहीं आता, कभी तो मोटी हो जाती है कभी तो पतली हो जाती है, तुझे तो मतलब क्या है तेरा, जब तेरा मूड आता है तो मोटी हो जाती है कभी पतली हो जाती है. तो ही ऑलवेज सेज दैट व्हेन यू मीट्स मी. तो उनके अलावा आई हैव कनेक्टेड विथ सुधांशु एंड घोष बाबू, तो उनके ऑफिस में ही रहते हैं, तो ये 2 और कैरेक्टर्स हैं. फिर एक उर्मिला थी जो मेरे ऑफिस में, आई एम इन टच विथ हर ऑल्सो, लेकिन हमारा कोई ऐसा रीयूनियन नहीं हुआ है. एंड ललित परिमो जी से भी मेरी मुलाकात हुई, जैकाल, डॉक्टर जैकाल, एंड ऑफकोर्स किलविश अपने वो सुरेंद्र पाल जी. मुझको जयपुर में एक होटल में दिखे थे और मैं कार के पीछे चला गया था. हाँ, देख हाँ. आज भी डर लगता है उनको देख के. पर उनका ये था कि वो जो नोज वोज लगाते थे लोग उनको पहचानते नहीं थे. हाँ, उससे असली चेहरा देखा जाते था, असली चेहरा नहीं दिखाई देता था उनका. बहुत बढ़िया. अब दर्शकों के कुछ सवाल हैं, मैं आपसे वो पूछ लेता हूँ, फिर मैं अपनी टीम के पास चलूंगा, इनके बड़े सारे सवाल हैं. ओके ठीक है.
लखी जी पूछ रहे हैं गीता विश्वास को कब पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। आप लोगों के काफ़ी बाद मुझे पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हालांकि बेटर होता कि मुझे पता ना चलता, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था गंगाधर को सुनाने में, और जब मुझे पता चल गया गंगाधर ही शक्तिमान, मैं उसके साथ बहुत स्वीट हो गई थी, फिर मज़ा नहीं आ रहा था। एक सवाल है कि अगर फिल्म बनती है शक्तिमान पे, तो आप क्या चाहेंगी कि गीता विश्वास का रोल कौन करे? मेरे पास तीन नाम है। फर्स्ट नंबर पे है आलिया भट्ट, सेकंड पे है श्रद्धा कपूर, एंड देन कियारा आडवाणी। आई थिंक ये तीनों में से कोई भी कर सकता। और शक्तिमान? शक्तिमान तो आई वुड हैव प्रेफर्ड रणवीर सिंह ओनली, बिकॉज आई कैन सी हिम, यू नो, इंटेंस एक्टर भी है वो। वो तो बनने नहीं देंगे, वो तो नहीं बनने देंगे। तो अब मैं आई डोंट नो, आई थिंक फ्रेश फेस ही देखना पड़ेगा किसी को, बिकॉज और कोई तो मुझे नहीं। सी, हमारे जितने भी बड़े टीवी फिल्म स्टार्स हैं, वो बॉलीवुड के एक्टर्स, उनकी एज हो चुकी है काफ़ी, दे कैन नॉट प्ले शक्तिमान। अब शक्तिमान के लिए यू नीड समबडी इन द मे बी मिड और लेट 20s, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब और कौन हो सकता है? आई कांट फिगर आउट एनीबडी। आशीष भारोलिया का सवाल है कि शक्तिमान के आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था, क्या शक्तिमान किलविश को मार पाया था? तो आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था ये तो आपने बता दिया, शक्तिमान किलविश को कैसे मारने वाला था या क्या करने वाला था, कभी डिस्कस होता हो? देखो, किलविश भी एक तरह से, देखो, गुड एंड ईवल जो है, जैसे शक्तिमान नहीं मर सकता वो वापस से आ जाता है, वैसे ही किलविश भी नहीं मर सकता था। तो ऐसे मारने वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। किलविश का तो वो चलता ही रहता, वो उसको मारने का सवाल नहीं था उसमें। बहुत बढ़िया। मोहित मिश्रा का सवाल है, गीता विश्वास को गंगाधर और शक्तिमान में से कौन ज्यादा पसंद था? मुझे, देखो, शक्तिमान तो शक्तिमान है, नो डाउट अबाउट दैट, बट मुझे गंगाधर के साथ सीन्स करने में बहुत मजा आता था। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, मुकेश जी के साथ तो इवन पर्सनली मैं हमेशा ऐसे रहती थी, थोड़ी सी उन दिनों में सहमी सी, लाइक मैंने बोला ना, स्टूडेंट और टीचर वाला थोड़ा हमारा वैसे था। लेकिन जब मैं गंगाधर के साथ होती, मुझे पूरा फ्रीडम होता था, सुना देती थी मैं, ये चुप कर, अकल नहीं है तुझे, हाँ तूने क्या कैमरा में रील लाना भूल गया, हमेशा फोटोज ही नहीं लाता था शक्तिमान की। जब देखो बोलता था इस बार तो ला ही दूंगा, और आते ही नहीं था फोटोज, एंड शी इज टू गेट वाइल्ड एट हिम, तो दैट वाज फन। अभी जनता के सवाल तो इतने ही हैं, मुकेश खन्ना जी के कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पे, उन पे हम बात कर चुके हैं। एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी थी आपसे जुड़ी, किसी अवार्ड शो में आपका नाम गलत बुला दिया था हम लोगों ने। हाँ, दैट वो एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि यू नो मीडिया इज फॉलोइंग मी। मैंने वो मीडिया के लिए नहीं किया था वो, एंड वहाँ सुनील पाल जी थे, तो वो मीडिया लेके आ गए उधर। नहीं, पाल जी मेरे पीछे आ गए वहाँ पे, और मीडिया उनके पीछे पीछे वहाँ पे मुझे फॉलो करते हुए। तो मैं एक्चुअली वहाँ पे आई वॉज नॉट गोइंग फॉर दिस अवार्ड, और मुकेश जी ने मुझे फ़ोन करके बोला भी, बाद में डाटा है मुझे, बोला कि तू किस किस अवार्ड में चली जाती है, हाँ अकल नहीं तुझे, क्यों जा रही है ऐसे अवार्ड्स में, दोबारा मत जाना। ही एक्चुअली टोल्ड मी दैट, एंड मैं एक्चुअली इसलिए गई थी कि इससे पहले उन्होंने एक शो किया था, यही सेम ऑर्गेनाइजर्स ने, इट वॉज अ पेड इवेंट, सो हैज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, दे हैड कॉल्ड मी। तो मुझे लगा कि पहले कर चुकी हूँ उनके साथ, तो दे जस्ट रिक्वेस्टेड मी कुछ देर के लिए, प्लीज आ जाइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं अवार्ड के साथ। हालांकि छोटा मोटा अवार्ड ही था। तो मैं गई, और वंदना श्रीवास्तव कौन है? कहाँ वैष्णवी मैकडोनल्ड और कहाँ वंदना श्रीवास्तव, वी से शुरू होता है मानती हूँ, बट दोनों के इसमें भी कितना अंतर है। वंदना श्रीवास्तव, वंदना श्रीवास्तव, अच्छा पहले मुझे अवार्ड देने के लिए बुला रहे हैं स्टेज पे भी, वंदना श्रीवास्तव, सुनील पाल गए ऊपर और दो तीन नॉन एक्टर्स गए, और उन्होंने मुझे एड्रेस किया स्टेज से, ये हमारी वैष्णवी जी जो शक्तिमान की गीता विश्वास, उसी होस्ट के सामने, फिर भी वो मुझे वंदना श्रीवास्तव ही बुला रही है। उसने मुझे चार बार, मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज लाइक अ सेटअप फॉर सम रीज़न, और भी कुछ चीज़ें हुई थी, इट वॉज अ सेटअप फॉर मी, एंड जानबूझकर मेरा नाम गलत लिया जा रहा था। एंड देन फाइनली जब मुझे अवार्ड देना है, तब भी मेरा नाम गलत लिया गया। तो मैं गई स्टेज पे, और मेरा थोड़ा सा पारा ना कभी कभी गर्म हो जाता है, आई एम अ लिटिल इम्पल्सिव एट टाइम्स। तो मैं गई स्टेज पे, एंड आई सेड के ये अवार्ड मैं नहीं ले सकती,
क्योंकि ये वंदना श्रीवास्तव के लिए, मेरे लिए नहीं है, आप उससे दीजिए, आई कांट टेक इट, एंड आई जस्ट वॉक्ड ऑफ फ्रॉम देयर। ये काम मैंने बहुत पहले, कई साल पहले मेरे करियर की शुरुआत में भी किया था, सर फिर ही हूँ कभी कभी। एक तेलुगु फिल्म थी, इट वॉज बींग मेड ऑन द लेवल इन दोज डेज ऑन द लेवल ऑफ विद बिग एक्टर्स, इट वॉज बींग मेड ऑन द लेवल ऑफ अभी जो ये बाहुबली, उस लेवल की फिल्म थी। और उन्होंने मुझे पहले बोला था मेन लीड कैरेक्टर, एंड द डायरेक्टर मेरे से बहुत खुश थे, बट प्रोड्यूसर के कुछ और चीज़ें चल रही थी उनके दिमाग में, लेट्स लीव इट। तो व्हेन ही डिड नॉट, ही वाज नॉट हैप्पी विथ मी इन दैट वे, तो उन्होंने मेरा जो रोल है वो दूसरा रोल कर दिया। तो स्टेज पे उन्होंने मुझे दिया था प्रेजेंट करने के लिए पूरा लॉन्च, कहा कैन यू हैव टू ऑल्सो इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर एंड योर सेल्फ, उन्होंने मुझे ही दिया था। वहाँ पर भी मैंने यही किया कांड, और वो मेरा लास्ट था, मैंने कभी तेलुगु फिल्म की नहीं उसके बाद, तेलुगु फिल्म थी। मैं स्टेज पे गई मैंने कहा कि पूरा अनाउंसमेंट सब किया, एंड आई सेड एंड आई कैन नॉट डू दिस फिल्म बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू डू दिस कैरेक्टर एंड नाउ दे आर गिविंग मी दिस कैरेक्टर, सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, एंड आई वॉकड आउट फ्रॉम देयर। और वो मेरा लास्ट था, मैंने कभी उसके बाद तेलुगु फिल्म वालों ने मुझे कभी बुलाया ही नहीं, मीडिया में छपा लाइव में हुआ सब कुछ, सारे मीडिया के सामने हुआ, एंड आई जस्ट वॉक्ड ऑफ एंड माय मॉम बिहाइंड मी, वैष्णवी जी रुक जाइए, फिल्म बनी वो बाद में, बट आई वाज नॉट देयर इन, सो आई जस्ट वॉक्ड ऑफ। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी हुई, मेरा बहुत कम होता है दिमाग, बट जब होता है तो इट्स बैड, सो आई जस्ट वॉक्ड ऑफ फ्रॉम हियर एंड आई एम सो सॉरी। मेरी डॉटर को मैं पहली बार किसी अवार्ड फंक्शन में ले गई थी साथ में, और माई हस्बैंड, वो बेचारे उनकी हालत खराब, मैं जा रही हूँ और ये मीडिया मेरे पीछे पीछे, मुझे सुनील पाल जी, वैष्णव जी क्या हुआ, मैंने बोला नाम गलत ले रहे हैं भाई, क्यों बुलाया मुझे इंसल्ट कराने के लिए, दे डोंट नो माय नेम, व्हाई डिड दे कॉल मी, हाँ गीता विश्वास भी बोल देते चल जाता, देवी जी वंदना श्रीवास्तव कौन है, होगी कोई पर उसको बुलाओ ना, फिर मुझे क्यों बुलाया। सो दैट्स वेयर द होल थिंग हैपेंड, और फिर वो वायरल हो गया, चल गया, या इट वॉज वायरल। मुझे अभी एक रियलिटी शो से आया कॉल, मैं अभी नाम नहीं लूंगी उसका, उसी को लेके उन्होंने मुझे कॉल किया था, लगता है बिकॉज दे थॉट कि आई एम ऑफ अ वेरी एग्रेसिव, बट आई एम नॉट जनरली लाइक दैट, कभी कभी होता है वो। चलिए अब चलते हैं अपने टीममेट्स के पास, इनके कुछ सवाल हैं। हेलो, मेरा नाम प्रशांत है जी। मुझे आज भी याद है, हम लोग संडेज का इंतजार करते थे 90s में, क्रिकेट खेलने आने के बाद शक्तिमान देखने का, और हम लोग माता पिता के साथ बैठ के देखते थे जी। तो आपका ऐसा कोई अनुभव है, मतलब आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो कहीं हो, और कोई पेरेंट आपसे आके बोल रहा हो कि मतलब शक्तिमान को लेकर हमारा ऐसा टेक है और हम लोग अपने बच्चों के साथ देखते हैं? यस कई बार, और काफ़ी मेरे एज ग्रुप के भी लोग मुझे कहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे एज ग्रुप के लोग मुझे कहते हैं कि बचपन में हमने देखा था आपका शक्तिमान, और तब मैं बोलती हूँ वाह, तब तो इट्स अमेजिंग। सो देर आर पीपल हु कम अप टू मी एंड से दैट, यस, कि हम बच्चों के साथ हम भी देखते थे शक्तिमान, यू नो लाइक, वो भी देखते हुए ही मतलब आगे बढ़े हैं लाइफ में। और आपके बच्चों का इस शो को लेकर क्या टेक है, वो उन्होंने देखा और क्या रिव्यू? आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज मुकेश जी हमेशा ही टू मेक श्योर कि अच्छी सीख दी जाए जो आज की डेट में मिसिंग है, क्योंकि आजकल के जो गेम्स और ये सब हैं उसमें मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर खुद जेंजी है, तो मैं देखती हूँ कि क्या गेम्स में क्या सीख मिल रही है, एंड वो टाइम इतना अच्छा था, मासूमियत थी उस टाइम में बच्चों में, एक यू नो इनोसेंस था, एंड थैंक्स टू शक्तिमान, बिकॉज शक्तिमान मुकेश जी इतनी अच्छी अच्छी सीख देते थे। गीता विश्वास का भी किरदार ऐसे था कि हमेशा एक यू नो एक स्टैंडर्ड सेट किया है ऑफ प्रिंसिपल्स वैल्यूज़, तो आई एम सो हॉनर्ड कि कुछ बच्चे आए थे, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ मेरे घर पे, एक दिन अर्ली मॉर्निंग वन फादर केम विद द पुलिस, और लड़कियों को गीता विश्वास बनना था और मिलना था गीता विश्वास से, तो ही लैंडेड अप इन सेइंग कि वो मुंबई आई है, किसी ने उसे कहा मैं गीता विश्वास से मिलवाता हूँ, एंड शी वॉज ही वॉज नॉट फाइंडिंग हर, घर से निकल के, हाँ टू मीट गीता विश्वास, वो किसी ने फूल किया होगा। सेकेंडली एक था, एक लड़की है जो आज तक दो तीन ऐसे हु हैव कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं जैसे गीता विश्वास पहनती है, एंड दे फॉलो दैट कैरेक्टर इन देयर ओन रियल लाइफ,
सो इतना इम्पैक्ट था उन दिनों में मुकेश जी का और अपना शक्तिमान और गीता विश्वास का। हाय, मेरा नाम मनीषा है। आपका एक और पॉपुलर शो है सपने सुहाने लड़कपन के जी। वो ना हम उस टाइम स्कूल में ही थी, मैं और मम्मी, मैं, मेरी छोटी बहन, हम सब लोग वो सीरियल देखते थे। तो मुझे जहाँ तक याद है तो वो सपने सुहाने लड़कपन के पहला ऐसा शो, टीवी शो है जिसने लिप किस दिखाया था ऑन स्क्रीन। यस, उस टाइम है ना, तो ऐसे बहुत अखबारों में ये चीज़ आई थी और है ना काफ़ी ऐसा उठा था। तो पहले मैं और मम्मी, हम सब लोग साथ में देखते, तो मम्मी बोलती थी काफ़ी अच्छा शो है, कितनी नई नई चीज़ें दिखाते हैं ये वो। लेकिन उसके बाद ना ऐसा बहुत सुनने को मिला कि यार गंदा सीरियल है, ऐसे खराब खराब चीज़ें दिखाते हैं। तो क्या आपको भी कभी ऐसी आलोचना सुननी पड़ी उस सीरियल को लेके? देखिए, ऑलरेडी हम फिल्म्स देख रहे थे, फिल्म्स में उससे ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा था। हाँ, टीवी के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बिकॉज देखो सब पारिवारिक लोग बैठ के देखते हैं, दादा दादी नाना नानी सब लोग बैठ के देखते हैं, तो इट्स अ लिटिल अनकम्फर्टेबल उन दिनों में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13-14 की बात है। सो नॉट वेरी फार, बट थोड़ा कंजर्वेटिव परिवार होते हैं तो दे फील बैड। बट ऑन द होल आई थिंक बड़े सिटीज और मेट्रोपोलिटन्स में तो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि इतना तो चलता ही है, लाइक यू नो। बट यस, आई एम श्योर कि स्मॉलर टाउन्स में लोगों को बहुत बुरा भी लगा होगा, डेफिनेटली। एंड आई थिंक वी शुड हैज मेकर्स टीवी में, अभी आजकल नहीं होता ऐसा, बिकॉज पीपल हैव लर्नड इट कि रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग वो लोग हैं जो आगे चल के कुमार विश्वास को सुनने लगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गीता विश्वास को खूब देखा करते थे। क्या बात है। तो हम लोग संडे का इंतजार करते थे, शक्तिमान आएगा जी। और बहुत थैंक यू हम लोग का बचपन बढ़िया बनाने के लिए। जी जी, शक्तिमान के बारे में, आप लोगों के बारे में खूब बात होती है। शक्तिमान से उम्मीद तो रहती थी, आप लोग एक पॉजिटिव करेक्टर था, एक तमराज किल्विश का करेक्टर था जिससे डर लगता था, अंधेरा कायम रहेगा, अंधेरा फैल रहा है, ये हो रहा है, और एक डॉक्टर जयकाल। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा ऑफ कैमरा क्या चीजें होती थी जो आम पब्लिक डोमेन में वो जो बातें नहीं है उसके बारे में अगर कुछ बता सकें, इनका कैसा तालमेल होता था और क्या कुछ किससे कहानियां इनसे जुड़ी, किल्विश और डॉक्टर जयकाल? डॉक्टर जयकाल जी के साथ तो मैंने फिर किरदार बाद में निभाया भी है, एक और सीरियल थी भास्कर भारती, जिसमें He was playing my husband in that actually. Dr. Jaikal Geeta Vishwas ke husband ban gaye the usme. So he was off this, wo acting mein zyada unki ruchi thi, acting sikhane mein and all that. Dr. Jaikal ji. To wo to aur adhyatmik bhi bahut the. He was more on the spiritual side and all. And Surendra Pal ji was always very jolly. Totally opposite to aap jo dekhte ho Tamraj Kilvish ko karte hue. वो वैसे थे, आई मीन वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट पर्सन। उनके साथ एक्चुअली बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि उनको लगा कि लोग पहचान ही नहीं रहे उनको, वो नाक लगा के और वो पूरा ऐसे गेटअप में पर्सनालिटी थी और था, लेकिन लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने मुकेश जी से रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये निकाल सकता हूँ कोई कोई सीन्स में, मुझे जस्ट एक जैसे गंगाधर शक्तिमान हमसे भी मिले, हमसे भी सेल्फी खिंचवाए, पीपल शुड नो मी ना, मैं चल के कहीं जाऊं तो लोग मुझे देख के बोले कह रहे ये तमराज किल्विश है। तो वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और फिर वो शो से एग्जिट किए। अच्छा। हाँ, तो उनकी जगह फिर कोई और आया था, उन्होंने इस बात की वजह से शो छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि सिर्फ पैसा ही नहीं सब कुछ है, आई वॉन्ट पॉपुलैरिटी ऑल्सो। ये बिल्कुल नई बात बताई। पर फिर सॉरी टू से, आई एम श्योर मुकेश जी माइट डिसएग्री विथ मी, बट फिर किल्विश में वो बात नहीं रही। हाँ। वो कुछ ले आए थे किल्विश में, यू नो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, इन स्पाइट ऑफ दैट नोज, एक होता है एक फेस का एक भाव और एक बॉडी लैंग्वेज विच वाज मिसिंग। बोलते थे तो लगता था कि अंधेरा हमेशा कायम रहेगा। ठीक बात है, आज भी है, जानना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जब छोटे थे तो ऐसा लगता था जब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं लगता वही आदमी है। हाँ, क्योंकि मतलब आप लोग क्या हुआ था, शक्तिमान इतना पॉपुलर हो गया था कि बच्चों को फर्क समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना नहीं समझ में आएगा, बट हम जैसे एक्टर्स जब देखते थे तो समझ में आता था कि यार दैट इज समथिंग एल्स। तो बताना भी जरूरी होता है ना, नहीं तो पता लगा आदमी सोच रहा है कि कादर खान ही गाना गा रहे हैं, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, बाद पता चला कि मेबी वही चाहते थे वो कि आप सोचते रहो वही किल्विश है, लोग सोच रहे हैं कि नहीं कादर खान ही गा रहे। मैम, आपकी मैंने एक सीरीज देखी थी, शॉर्ट फिल्म थी मेरी रम्मा, उसमें एक
माँ और बेटे के रिश्ते के जो द्वंद को दिखाया गया है, तो क्या आपको इस तरह के और ऑफर्स हैं या इस मुद्दे पर आप क्या सोच रही हैं जो बच्चे के साथ एक बेटे के साथ चल रहा है? वेरी नाइस, आई मतलब दैट वॉज वन ऑफ माई वेरी क्यूट शॉर्ट फिल्म्स और मुझे बहुत मज़ा आया वो करते हुए एंड वेरी रिलेटेबल कि रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है यू नो एंड आई रियली एन्जॉयड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं वेब में और ऐसा काम करना करने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं करूँ क्योंकि ये अच्छा काम है. इट वॉज लाइक आपको अपना एक्टिंग टैलेंट्स और ये सब दिखाने का और मौका मिलता है एंड इट वॉज अ रियल नाइस थिंग. और मैम एक अभी आप बता रही थी कि आप अपने काम को रिवाइज करती हैं, देखती हैं मॉडिफिकेशन के लिए. अगर एक गीता विश्वास जो उस समय अपने संपादक को हड़का के रखती थी अपने एडिटर को, अगर अगर मैम ये रोल मैम अगर ये रोल संपादक को हड़काने वाला रोल अगर आपको फिर से मिले तो आप क्या मॉडिफिकेशन चाहेंगी? ये आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे लुक क्यों दे रहे हैं उसको? मतलब क्योंकि उसका सवाल बहुत अच्छा है. मैं भी जानना चाहता हूँ संपादकों को कैसे हड़काया जाता है. सर बहुत हड़का दी नहीं शो में उन... अच्छा ये जो कैरेक्टर है ना, मैं मुकेश जी को देख के करती थी. मैं उनसे लेती थी इंस्पिरेशन. तो क्या मैं मुकेश जी सबको हड़काते रहते हैं क्या? के रखना है. मुकेश जी इज द ही इज लाइक अ टास्क मास्टर यू नो ऑन द सेट. तो मैं उन्हीं का किरदार लेती थी जब मैं वो कर रही होती आज की आवाज. आज की आवाज में आज तक आज की आवाज. सो आई थिंक अब अगर आप मुझसे पूछो तो आई डोंट थिंक ये इतना कड़क होने की जरूरत है, लेकिन यस रियल लाइफ में भी मैं थोड़ी वैसी हूँ. मैम एक छोटा सा पर्सनल सवाल है कि आज एक सैलरी का मुद्दा उठता है जो टेलीविजन इंडस्ट्री की जो फीमेल एक्टर हैं उनको सैलरी कम दी जाती, लेकिन आपको उस समय रोल बहुत दमदार था. तो मेरी सैलरी भी... तो आप पूछिए ही मत, मैं ना बताऊँ तो बेटर है. उस टाइम उस टाइम बट यस किरदार अच्छा था, आइकॉनिक शो. आप तो बता सकती है ना, आप तो मतलब ना भाई मैं अब बता दूंगी तो लोग बोलेंगे अभी यही देंगे मुझे वो. नहीं लोग मतलब जान शी इज वेरी राइट ना, कि उनको लगेगा अच्छा ये तो कम पैसे में काम कर लेती, किरदार अच्छा दे देती. एक्चुअली उन दिनों में एक्चुअली पैसे उतने नहीं थे टीवी में, फ्रेंकली स्पीकिंग हमें जो लगता है ना उतना नहीं था, और फिल्मों में भी नहीं था एक्चुअली. इफ़ यू आर अ न्यू कमर एंड ऑल, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर पैसों की बहुत झार हो रही थी और समथिंग लाइक दैट. नो नो, इट इज़ ओनली वैन यू रीच अ सर्टन लेवल देन यू कैन डिमांड. आप जब नए नए आते हो आप क्या डिमांड करोगे? आपको अच्छा रोल मिल गया एंड ऑल दैट इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज यू वॉन्ट टू एक्चुअली आप अपना अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हो. यू आर स्टिल मेकिंग गेटिंग अ फुट होल्ड. आप खड़े पहले तो आप अपने आप को प्रूव करो ना, फिर ही आप बोल सकते हो कि मैं इतना लूंगी. तब तो 10-5 हज़ार ही बहुत ज़्यादा हुआ होता होगा. हाँ उतना तो मिल ही जाता था. बट आप ये भी देखो कि एक एपिसोड 4 दिन शूट होता था. सो कंपैरेटिवली आज की पेमेंट ज़्यादा बेटर है. और तब भी ऐसा होता था कि 60 दिन बाद पेमेंट मिल रही है? नहीं मंथली वो बहुत अच्छी चीज़ थी. 30 डेज में आपके पैसे आपके पास यू नो. आज तो 90 डेज और 60 डेज का चलता. असल में ही पत्रकार थी आप? हाँ असल में पत्रकार थी. पत्रकारों के साथ भी ऐसा ही होता है. और किसी का सवाल? प्लीज कॉल द अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू इंश्योर कि आशीष को भी अब 60 दिन में पेमेंट मिले. 30 दिन में मिल जाता है. शक्तिमान वाला जो टाइम था उसके बाद ऐसे कई सीरियल्स आए जैसे शकलका बूम बूम आया, शरारत आया, तो उनमें एक मतलब एक मैजिक था. जैसे शकलका बूम बूम में हमने पेंसिल से कुछ बना दिया तो वो रियल में आ जाता था, और शरारत में चुटकी बजा दी तो कुछ हो गया, लेकिन वो एक बबल था. बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सारा तो फिक्शन है और ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आप कुछ सोच के बैठे हो और बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो सब मतलब फेक था? साइंस में जाना था आपको? क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंस में इतनी रुचि रखती थी तो मुझे पता था सब फेक है. करते वक्त भी पता था. हम घंटों तक लटके रहते थे उस पर हार्नेस पे. इनफैक्ट वन वेरी वेरी मतलब बहुत ही स्कैरी फैक्ट था. आई वॉज प्रेगनेंट ड्यूरिंग शक्तिमान, तो लास्ट का जो बिट था 2 years, एंड आई वॉज ऑन दी हार्नेस. आई डिड नॉट नो फॉर 5 आवर्स ऊपर मैं और मुकेश जी लटके हुए थे ऊपर.
पूरा ये पूरा ऐसे हार्नेस पहन के, तो मोस्ट ऑफ आर थिंग्स वाज ऑन हार्नेस एंड ऑल. हम लोग और वो जो आप देखते थे हम लोग ऐसे उड़ी मार के मैं किक कर रही हूँ वो सब. तो एक्चुअली जब आप शूट कर रहे हो ना तो आपको पता होता है दिस ऑल फेक एंड ऑल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली बिलीव के ये रियल में हो रहा है, पर जो देखते हैं उनके लिए इट्स लाइक रियल, यू नो. और शक्तिमान वो गोल गोल कैसे उड़ता था? शक्तिमान गोल गोल उड़ता था, अभी दिखा सकती हूँ ऐसे उठ के, वैसे जैसे एक्चुअली शक्तिमान गोल गोल वो VFX था, वो खुद ऐसा टर्न लेते थे हर एक शॉट के बाद, जैसे चलता हूँ करके वो ऐसा एक टर्न लेते थे और फिर उसमें वो लोग एक स्वर्ल डालते थे VFX पे और फिर वो जुब 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 करके ऐसे ऊपर उसे ले जाते थे वो VFX. एक ही बार घूमना पड़ता था उनको, कई बार घूमना? कभी कभी वो दो बार घूमते थे. दो बार घूमते? हाँ, दो बार घूमते थे. कभी आपको कोई ऐसा बच्चा मिला कि यार शक्तिमान की तरह उड़ने की कोशिश की, गिर गया? बहुत सारे मिले जो कॉस्ट्यूम्स लेके बैठे हैं और यू नो पहन के वो घूमते रहते थे और बहुत कुछ, बहुत लोग, बहुत ऐसे बच्चे बर्थडे पे मंगाते थे शक्तिमान वाला कॉस्ट्यूम. और आई थिंक 90s के बहुत सारे बच्चों के पास कॉस्ट्यूम पड़ा हुआ है, कंधा गिर जाता था, थोड़ा सा बड़ा होता था, साइज फिट नहीं आता था. Most of them have it with them. मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं बिल्कुल इस पे बात नहीं करूँगी कि मेहनताना लड़कियों को कम मिलता है और पुरुष एक्टर्स को ज़्यादा मिलता है. मेरा सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटी के मामले में, मतलब अपॉर्चुनिटी में के मामले में क्या उतना ही जस्टिस होता है महिला एक्टर्स के साथ जितना पुरुष एक्टर्स के साथ होता है? नहीं, आई फील इतना उतना नहीं होता. टेलीविजन में होता है और इसीलिए हम लोग टेलीविजन में प्राउडली बोलते हैं जेंट्स को कि वो साइड में खड़े रहते हैं और औरतों पे चलता है सब कुछ. डेली सोप्स की आप बात करें, वी आर लाइक द क्वींस ऑफ आर यू नो दिस इन टीवी. बट व्हेन इट कम्स टू अब जाके वेब सीरीज में आई थिंक वीमेन आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल. और फिल्म्स में भी जैसे क्रू आई बालाजी की, उसमें भी वीमेन आर, इट्स वॉज अ वीमेन सेंट्रिक और वो चल भी गया, इतना हिट भी हुआ. सो धीरे धीरे जैसे विद्या बालन की फिल्म्स होती हैं तो अगेन पीपल लुक फॉरवर्ड टू हर ओली, शी बिकम्स द हीरो ऑफ द दिस. तो कुछ कुछ है, लेकिन As far as character actors are concerned, which is what I would look at for myself in this coming next few years, utni opportunities nahi hai because main dekhti hu ki TV se nikal ke itne sare actors hain, male actors hain jinhone apna naam bana liya, say it web series or say it this, but women have not got still their due in films, like character actors I'm talking. जिस लेवल की रोल्स बनते हैं कैरेक्टर एक्टर्स के लिए, मेल एक्टर्स के लिए, वो फीमेल्स के लिए उतना नहीं होता. आई फील देयर शुड बी मोर. नहीं, इसमें मेरा एक और सवाल है, जैसे 55 साल का हीरो 22 साल की लड़की के साथ रोमांटिक सीन कर लेता है और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या एक महिला को एक उम्र के बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, रोल्स ऐसे मिलते हैं? सेंट्रिक भाभी बना दिया, दादी बना दिया, भी है ना अनुपमा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स. आई मीन लाइक शी इज़ अ 40+ वुमन नियरिंग 50, तो उसको मतलब पूरी सीरियल उसके ऊपर है एंड शी इज़ गॉट सो मच टू डू देयर. देन फिल्म्स में भी है ना, लाइक आई सेड देर इज मूवीज लाइक तब्बू जो कर रही हैं और जैसे विद्या बालन कर रही हैं, देर ऑल इन देर 40s 50s, बट मिल रहा है. आई मीन धीरे धीरे आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. People are accepting older women also doing important women centric roles and all. तो वो धीरे धीरे बदल रहा है, romance भी आ रहा है. I think मैंने शिफाली छाया को देखा था, आलिया भट्ट की मॉम बनी थी एक फिल्म में, सिंगल मॉम है ना, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द फिल्म, बट मैंने हाल ही में देखी थी. डार्लिंग्स में, हाँ डार्लिंग्स, डार्लिंग्स में दिखाया कि शी इज सिंगल मॉम, विडो है एंड शी फॉल्स इन लव विद अ बॉय इन दैट. तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, यू नो पीपल आर एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स. हेलो मैम. जी मैम, आपने एवेंजर या कि DC कॉमिक की कोई फिल्म या कि हाल ही में कोई एक्शन फिल्म देखी है आपने कोई? मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ इंग्लिश फिल्म. अभी जो एक्शन फिल्में बन रही हैं और आप जिस सीरियल का पार्ट थे, मार्वल जो कॉमिक्स के एंड ऑल, यस, ऐसी कोई चीज़ जो आप मिस करते हैं कि आज के हीरोज मूवी में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको, या कि कोई ऐसी बात जो आप चाहते कि नहीं उस टाइम पे जब हम क्रिएट कर रहे थे तब ये चीज़ थी अब वो मिसिंग है? ऐसा तो नहीं है. आई मीन देखो शक्तिमान का टाइम अलग था, VFX वाज लिमिटेड तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसी टाइम में हॉलीवुड में तो इट वाज ऑन एन अदर लेवल.
और आज भी यू नो आज हम लोग एक पार में आ गए. आई थिंक इवन बॉलीवुड इज़ हैविंग वेरी गुड VFX, बट आई फील के वी शुड हैव मोर लाइक जैसे मार्वल कॉमिक्स की फिल्म्स आती हैं एंड ऑल, ऐसे सुपर हीरो वाली फिल्में बहुत कम बन रही हैं, तो और बननी चाहिए लाइक यू नो समथिंग लाइक शक्तिमान एंड ऑल, तो ऐसी फिल्में और जैसे क्रिश बनी थी, फिर वो कब आई और बहुत टाइम हो गया. आई थिंक मोर सच मूवीज़. ऐसा कई बार होता है कि खबरें आती हैं, अब कन्फर्म नहीं कह सकते कि शक्तिमान 2 कभी बनेगी, तो आप उसका पार्ट होना चाहते हैं, और अगर होना चाहते हैं तो फिर किस क्या वही आप रोल निभाना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसमें. कैमियो तो कर सकती हूं. नहीं कर सकती ना, देखो गीता विश्वास, शक्तिमान का मेंटल किसी और को जा सकता है, बट गीता विश्वास तो एक ही होगी, वो तो नहीं बन सकती. मतलब मैं अगर मैं वहां जाती हूँ एज गीता विश्वास, तो फिर कोई और गीता विश्वास कैसे बनेगी? मल्टीवर्स इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली, यू नो. एंड इफ आई प्ले द मॉम, सपोज यंगर ब्रिगेड आया है, वो शक्तिमान है, तो फिर वो जो उसके ऑपोजिट आएगी वो गीता विश्वास नहीं होगी, और उनको चाहिए कि वही किरदार हो, बिकॉज वो पॉपुलर हुए, वो हाउस होल्ड नेम्स थे. हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे. या नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, तो गीता विश्वास हैज टू बी गीता विश्वास, सो आई कांट बी देयर इन इट. थैंक यू मैम. या इसी से कनेक्टिंग एक सवाल, मतलब इंटरनेट पे भी काफी देखने को मिलता है कि शक्तिमान कितना पावरफुल है. सुपरमैन और शक्तिमान का कंपैरिजन करते हैं, थैनोस का करते हैं, आयरन मैन से कंपैरिजन करते हैं, आपको क्या लगता है? आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे पूरे देश में, पूरे इतिहास में, आई थिंक शक्तिमान बिकेम सुपर पॉपुलर इन इंडिया एज मच एज सुपरमैन वॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अगर उसी लेवल का अगर कुछ बना है, फिर एक क्रिश और ये सब तो आई थे, आई एम नॉट सेइंग वो भी अच्छे थे अपने अपने जगह पर, बट शक्तिमान शक्तिमान था. एंड मुकेश जी और दिनकर जानी जी ने प्रूव कर दिया कि वी कैन हैव अ इंडियन सुपर हीरो, एंड दैट इज़ आइकॉनिक एंड इट इज़ इटर्नल. हेलो मैम, मेरा अनुभव थोड़ा ऐसा रहा कि लास्ट में शक्तिमान का कुछ एपिसोड मैं देख नहीं पाया, क्योंकि हम लोग दूसरे घर पे देखने जाते थे, तो कुछ दिन बाद ये बात तो मुझे बहुत कुछ दिन बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया. कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि जनरेटर लेके दूसरे से जनरेटर मंगाते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, किसी और की टीवी में देखते थे, और मतलब कूद के जाते थे किसी के घर में, वो तो बहुत सुनने को. हालांकि उस टाइम तो हम छोटे थे, अभी कुछ एपिसोड उसके देखते हैं कभी कभार, तो उसमें एक एपिसोड था जब गीता विश्वास की डेथ हो जाती है और शक्तिमान आते हैं, उनको शायद चिता पे आग दी जा रही होती है, और शक्तिमान आते हैं उस टाइम, मतलब जब डायरेक्टर क्या सोचते थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो लेके आते हैं तो प्याज रहता है, प्याज का जड़ से उखाड़ कर लाते हैं और निचोड़ देते हैं, और दिखाया ऐसे जाता है जैसे आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटी है. तो डायरेक्टर आपस में कुछ बात करते थे, आप लोग आपस में बात करते थे कि बच्चों को ही देखना है, उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है, या कुछ ऐसा क्या बात होती थी उधर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, आपको समझ में आ गया था कि वो जड़ी बूटी देखो, शायद उनको ऐसे ही लगता होगा कि आप नहीं समझोगे, बट आप बड़े इंटेलिजेंट निकले. छोटी छोटी टीवियां रहती थी ब्लैक एंड व्हाइट, क्या पता चलेगा किसी को. हाँ, वो भी देखते थे. अब देखने पे समझ में आता है कि मतलब प्याज व्याज, वो प्याज व्याज. हाँ, वो यही सोचते थे कि बच्चे देख रहे हैं नहीं समझेंगे. इनफैक्ट एक और चीज है शक्तिमान में कि यू नो वॉइस ओवर्स, अब दिमाग में चलता है वॉइस ओवर, पर मुकेश जी कहते थे कि बच्चों को समझना है इसलिए बोलना पड़ेगा, तो हमारे वॉइस ओवर हमेशा बोले जाते थे. अगर आप देखो शक्तिमान में कभी भी दिमाग में वॉइस ओवर नहीं होता था, हमेशा कहाँ होगा शक्तिमान, मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे आज उसे उससे का इंटरव्यू लेना ही है. मतलब हर चीज़ है ना, खुद से बात कर रहे हैं, सब खुद से ही बात किए जा रहे. तो शक्तिमान में कभी माइंड में वॉइस ओवर होता ही नहीं था. वो कहते थे कि बच्चों को ना चीज़ें थोड़ा यू हैव टू स्पीक इट आउट, वरना वो सर के ऊपर से जाएगा. और उसके पीछे वो म्यूजिक बजाते थे, बड़ा इमोशनल सा एक चलते रहता था. बस आखिरी सवाल है मेरा जी, इंस्टा कौन हैंडल करता है आपका इंस्टाग्राम? आपको क्या लगता है? मुझको तो लगता है आप ही करती हैं एक्चुअली काफी बिकॉज नहीं आई डू इट बिकॉज मैंने बीच में बहुत लोगों को रखा था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मुझे लगता है कि अपने फैंस से टच में रहने के लिए एक पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है. एंड मैंने 2-3 लोगों को इनफैक्ट हायर किया था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. आई एम स्टिल ऑन द लुकआउट एक्चुअली, अगर मुझे कोई मेरे मेंटल वेवलेंथ से मिल जाए तो इंस्टा पे डीएम कर दें इन्हें. यस प्लीज, तो समबडी हु एंड आई ऑल्सो वॉन्ट समबडी हु विल ऑल्सो बी कंटेंट यू नो क्रिएटर फॉर मी, लाइक शूट करके, एडिट करके. सो आई एम लुकिंग आउट फॉर समबडी on that level also.
तो एक वैकेंसी खाली है उसके लिए आप वैष्णो जी से संपर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी एक इस इंटरव्यू के लिए और एक हमारा बचपन। आप मुझे भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल पर भी, ओके वैष्णवी मैकडॉनल्ड। बढ़िया, तो फिर से कहूँगा एक बार फिर से शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हमें इंटरव्यू देने के लिए और उसके अलावा हमारा बचपन इतना यादगार बनाने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, आई एम सो हॉनर्ड। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।